हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल राज वी में, जहां मैं अमित राज लेकर आता हूं प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, करता हूं अनबॉक्सिंग और शेयर करता हूं उनका रिव्यू आपके साथ। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट अवे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ और एक काफी हेल्दी प्रो होने वाला है, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए एक प्रोडक्ट काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मेरे पास है बड़ा सा बॉक्स जिसको मैं खींच लेता हूं अपनी तरफ। तो ये है ग्लेन की तरफ से SA3045, एक मिनी फ्रायर है जो कि बहुत ही कम ऑयल में या फिर कहो कि विदाउट ऑयल आपके लिए बहुत कुछ कुक कर सकता है, जिसके लिए आपके स्नैकिंग वगैरह जो करते हैं आप, उसमें काफी यूजफुल हो सकता है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी छोटा सा प्रोडक्ट है, देख सकते हैं बॉक्स काफ़ी बड़ा नहीं है, तो आपके किचन में भी इजीली फिट हो जाने वाला हुआ है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे, अगर मैं पहले ही बता दूं तो आगे क्या ही बच जाएगा। तो कुछ इस तरह से बॉक्स है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, प्रोडक्ट सामने लेके आते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस मिनी फ्रायर बॉक्स के अंदर। सो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने के पहले, इस डब्बे को अनबॉक्स करने के पहले, सबसे पहले कुछ डिटेल्स है जो इस बॉक्स पर मेंशन है जो जरूरी आपको बताना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइसिंग से। सो अगर आप बॉक्स में देखिए, इसके प्राइसिंग जो मेंशन है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ऊपर में 7995 रुपीज़, बट मुझे प्रोडक्ट मिला है 4900 के समथिंग फ्रॉम अमेजन। सो क्या ये इतना प्राइस पे करना वर्थ है आपके लिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं इस बॉक्स के। अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मेंशन क्या हुआ है, 2 ईयर्स वारंटी, 800 वॉट का मोटर लगा हुआ उसमें, 30 मिनट का टाइमर है यहाँ पर, एंड वेपर स्टीम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ताकि आपके कोई भी फ्रायर्स वगैरह को क्रिस्पी बना सके, और क्विक फ्राइंग यहाँ मेंशन किया हुआ है। वो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर। और साथ ही आपको यहाँ मिलता है, जो कि मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है कि इसमें साथ आपको मिलता है, इसमें आप इस छोटे से फ्रायर से आप फ्राई, ग्रिल, रोस्ट और इवन बेक भी कर सकते हैं, तो विदाउट लो ऑयल और वेरी मिनिमम ऑयल। 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही इसमें 30 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ है और इजी टू क्लीन है। और कैसे ये सब काम करता है सब दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और उठाता हूँ अपना ये मतलब मामूली से चाकू, जो कि मामूली नहीं है क्योंकि काफ़ी काम आता है हमारे, और इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ कुछ इस तरह से। और फिलहाल चाकू साइड में रख देता हूँ, और इसके अंदर है कुछ देख सकते हैं, कुछ यहाँ थर्मोकॉल वगैरह ऐसा कुछ रखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरह से। सो बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह से थर्मोकॉल लगा हुआ है, थोड़ा बॉक्स जो डैमेज भी हो गया है ट्रांजिट के दौरान, बट प्रोडक्ट लग रहा है सेफ है इस थर्मोकॉल की बदौलत। और उसके अंदर है बस आपका एक प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, देखिए इस पॉली बैग में आता है, तो फिलहाल मैं इसको साइड रख देता हूँ। और बॉक्स में कुछ है नहीं, बस बेस में थर्मोकॉल है, तो इन दोनों को अंदर रख देता हूँ क्योंकि बाद में इसको सेफ रखने के लिए काम आएगा जब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। वैसे आपके किचन में काफ़ी इजीली फिट हो जाने वाला है, देख सकते हैं इसका साइज़, देख सकते हैं कितना छोटा सा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ब्लैक कलर में दोस्तों। और जैसे मैंने कहा, प्रोडक्ट का नाम है ग्लेन कंपनी की तरफ से है, और प्रोडक्ट का नाम जैसे मैंने आपको बताया SA3045, और कुछ इस तरह से दिखता है। पहले मैं फिलहाल इसको बाहर निकाल लेता हूँ, कट। सो बॉक्स से बाहर आते ही देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, कितने सुंदर लग रहा है जो फ्रायर है आपका, छोटा सा, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, और ब्लैक कलर में है पूरा। और यहाँ पर थोड़ी सी आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम फिनिशिंग है दिया हुआ है, और साथ ही आप यहाँ आगे देखें तो आगे यहाँ ब्रांडिंग लिखा हुआ दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ कुछ टाइमर वगैरह मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि 30 मिनट्स का जो यहाँ टाइमर वगैरह मेंशन किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फ्रायर को बाहर निकालने की जो ट्रे है इसका, फ्रायर का कुछ इतना बड़ा सा है इसमें, और इसके अंदर एक और ट्रे रखा हुआ है कि जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी चीज़ आप फ्राई करने वाले उसको इसके ऊपर रख सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं और इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आता है इसके अंदर से। फिलहाल मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर। और अगर आप केबल की तरफ ध्यान देंगे तो केबल कुछ इस तरह से, इतना बड़ा केबल, अराउंड 1 मीटर के आसपास केबल इसका आता है साथ में, तो आप किचन में इसको आराम से कहीं भी प्लग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंट्स कुछ बने हुए हैं जो हॉट एयर जो होता है उसको पास करने के लिए यहाँ बने हुए हैं, और सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पर वेंट्स बने हुए हैं। सो ऐसा कुछ दिखता है ओवरऑल ऑल यहाँ पर। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो नीचे कुछ खास यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर देखिए मोटर का जो सेटअप है वो सब नीचे की तरफ है, और यहाँ पर जो इसको बेस वगैरह बना हुआ है इसको रखने के लिए, तो ओवरऑल काफ़ी लाइट है, बहुत ऐसा नहीं कि आपको मूव करने में काफ़ी बहुत दिक्कत होने वाला है। आप किचन में एक साथ इसको रख भी सकते हैं,
और अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है किचन में तो यूज़ किया किया भैया, फिर निकाल के रख लिया साइड में। सो कुछ इस तरह से दिखता है, ये तो होगा देखने के बाद। आप डिसाइड देख लेते हैं कि काम कैसे करता है ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज फ्रेंच फ्राइज बना के दिखाया जाए इस पर, कि कैसे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं इस फ्रायर में। वैसे बना तो बहुत कुछ सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, इसमें आप इसे ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। और साथ ही जब आप शाम में जैसे स्नैकिंग वगैरह के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाते हैं, समोसे वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी ऑयली होता है और काफ़ी उसमें आई मीन बैड फैट होते हैं। उन सबसे बचाने के लिए 80% फैट फ्री कर देगा आपके फूड को। कैसे, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ फ्रेंच फ्राइज बनाते बनाते। मैंने आज डिसाइड किया आप लोगों के लिए कि किस फ्रायर में मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रहा हूँ, तो मैं पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं भी पहली बार ही बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो रेसिपी है मैंने यूट्यूब से सीखी, यूट्यूब काफ़ी कुछ सिखाता है दोस्तों, और मैं भी कोशिश करता हूँ जैसे इस आपके लिए भी उसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको भी नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलते रहे। तो ठीक, उसी तरह देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पोटैटोज हैं, जो आलू हैं, यहाँ पर मैंने इनको धो के गर्म पानी में वॉश करके इसको बाहर निकाल लिया है। थोड़ा सा इस पर कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया है और थोड़ा मसाले वगैरह डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा क्रंची और थोड़ा सा स्पाइसी बने। तो सबसे पहले अब मैं दिखाता हूँ आपको, इस ट्रे को बाहर निकालना है, हैंडल दिया हुआ है, काफ़ी ईजी है पुल आउट करना इसको, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ है इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा ट्रे बना हुआ है। आप अगर चाहें तो इस ऑयल को, आपके पास एक ब्रश है, तब ब्रश के थ्रू इसको लेके आराम से इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल मेरे पास ब्रश नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस ऑयल को इस पोटैटो में ही डालने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं इतने सारे पोटैटो के लिए, इतने सारे आलू के लिए यहाँ पर सिर्फ मैंने एक इतना सा ऑयल लिया जो कि हाफ स्पून ऑयल से भी कम है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ मिक्स कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। अगर मेरे पास ब्रश होता तो मुझे शायद इतना ऑयल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं सिंपली उसको ट्रे पे थोड़ा सा उसको स्प्रेड करता ऑयल को और फिर मैं डाल देता हूँ उसको इस ट्रे के अंदर। बट फिलहाल मेरे पास ब्रश नहीं है और स्पून से काम चलाना पड़ रहा है, इसलिए फिलहाल ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होने की वजह से कभी कभी इस तरह से काम चलाना पड़ता है। तो आप वो भी सीख सकते हैं मुझसे कि कम चीज़ों में कैसे आप ज़्यादा काम चला सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इस ट्रे के अंदर डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसमें डाल लिया है और फैला दिया, स्प्रेड कर दिया है, ऑयल बहुत लिमिटेड है। अब मैं इसके अंदर इसको सब कुछ कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ टाइमर दिया हुआ है दोस्तों, 30 मिनट्स का और आई मीन 5 मिनट्स का यहाँ पर टाइमर दिया है, आप सेट कर सकते हैं, और 30 मिनट्स का टोटल टाइमर है। अब जैसे इसको ऑन करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा LED लाइट जल रहा है, जो दिखेगा कि ये ऑन हो चुका है। मैं फिलहाल इसको 30 मिनट्स के लिए नहीं करके मैं इसको फिलहाल 20 मिनट्स के लिए रखता हूँ, और फिर देखते हैं आफ्टर 20 मिनट्स क्या रिजल्ट आता है, उसे दिखाता हूँ आपको कैसे बने हमारे फ्रायर्स। तो जैसे मैंने कहा 800 वॉट का मोटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी से आपको सेव करने वाला है, और इसमें आप बहुत कुछ कुक कर सकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह बना सकते हैं, आई मीन पोटैटो मसाले वगैरह हो गया है, फिर भिंडी फ्राई हो गया जिसको हम लोग बहुत लोग भुजिया भी बोलते हैं, तो उन सारी चीज़ों का भी आप बना सकते हैं, समोसे तक आप यहाँ बना सकते हैं, इसमें ग्रिल कर सकते हैं। अगर आपको कुकीज़ वगैरह बनाना है तो वो भी इसमें कर सकते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसको ग्रिल करने का, और बेक करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मुझे लगा काफ़ी हेल्दी चीज़ होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो उतने सारे पोटैटो के लिए सिर्फ इतना सा स्पून ऑयल लिया हमने, मतलब हाफ स्पून ऑयल लिया हमने। सो कितना ज़्यादा कम ऑयल, सॉरी कितना कम ऑयल यूज़ हो रहा है, नॉट ज़्यादा कम ऑयल यूज़ हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा 80% फैट फ्री, 100% तो नहीं, अगर आप चाहो तो बिना ऑयल के भी बना सकते हैं इसको, बट शायद वो उतना टेस्टी या क्रिस्पी ना लगे, बट वो भी मैं कभी ट्राई करूँगा। फिलहाल तो मैं आपको कैसे यूज़ हो करना है वो दिखा रहा हूँ, बाकी एक बार आप परचेस कर लो तो आप इसको अलग ट्राई कर सकते हो। 3 मिनट्स तक ऑलमोस्ट कुक करते हैं, फिर देखते हैं। और यहाँ पर जो क्लॉक बना हुआ है 30 मिनट्स का, आप इसमें आप अगर आप ध्यान से देंगे टिक 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 जैसे घड़ी बजता है, कुछ इस तरह से ही साउंड आ रहा है। और ऑटो क्लॉक अलार्म भी आएगा, जैसे जीरो पे आएगा एक अपने आप खुद को ऑफ कर लेगा। तो आपको टेंशन नहीं कि अगर आप जीरो पे आ गए और आप भूल गए तो आपकी चीज़ें जल जाएंगी, आपने सेट करके 20 मिनट में, तो वो यहाँ टेंशन आपको फ्री होने वाले, बिल्कुल बिल्कुल एक माइक्रोवेव की तरह आपको यहाँ हेल्प करने वाला है। एग्जैक्टली माइक्रोवेव की तरह बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं है इसमें, क्योंकि काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है, जो बैचलर है उनके लिए तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, और खासतौर जो जिम फ्रीक वगैरह है जिनको हेल्दी डाइट लेना पसंद है, और इन सब चीज़ें जो कि आपके माइक्रोस में फिट होते हैं और उसको आप एकदम हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं, उन सब प्रोडक्ट को, उन सब चीज़ों को कुक करने के लिए तो भाई मुझे ज़बरदस्त ऑप्शन लग रहा है। और बाकी देखते हैं बन के आता है तो फ्रेंच फ्राइज कैसा होता है और कितना क्रिस्पी होता है, वो भी तो बताना जरूरी है आपको। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट है तो काफ़ी छोटा साइज़ में, तो आप इसे बहुत ज़्यादा एकदम माइक्रोवेव के फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप बड़े फ्रायर्स भी ले सकते हैं, बट एक मिनी फ्रायर था, ताकि
ये उन लोगों के लिए है जो कि जैसे खुद अकेले रहते हैं या फिर छोटा सा किचन है उनके पास और बहुत ज़्यादा चीज़ें कुक नहीं करनी है उनको, स्नैकिंग वगैरह के लिए इसके शौकीन है, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है यहाँ पर। जैसे कि मानिए कि आप एक बैचलर वगैरह हैं या आप एक टाइम खाना बना रहे हो और आपको शाम में खाना गर्म करना है, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है कि आप फटाफट डाले खाना गर्म कर लिए, तो उस सब सिचुएशन में आप इसके ट्रे में बस खाने को रखिए और डालिए, 5-10 मिनट का लगाइए और जब तक आप फ्रेशन अप हो रहे हैं सब कुछ ये आराम से गर्म कर देगा आपके लिए और आप गर्मा गर्म खाने का आनंद ले सकते हैं। सो दोस्तों ये था कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में, इस छोटे से मिनी फ्रायर के बारे में। सो मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड और करता हूँ उनके अनबॉक्सिंग और शेयर करता हूँ उनके रिव्यू आपके साथ ताकि आपका बाइंग डिसीजन इजी हो सके और साथ ही आपको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके और आप भी वीडियो को इन्जॉय करने के साथ साथ अपने बाइंग डिसीजन भी बना सके। तो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप जाके अमेज़न में चेकआउट कर सकते हैं। और बस यही था इसके बारे में। तो जाने के पहले मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि फ्रायर कैसे बनाया। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव दें कि आप अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस प्रोडक्ट के साथ चाहते हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करते रहेगा और मुझे अपना प्यार दिखाते रहें। तो चलिए इसी के साथ एयर फ्रायर भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया होगा। देखिएगा कैसे ये ऑटो कट हो सकता है और आपने सुना आवाज, ये ऑटो कट हो चुका है 30 मिनट्स, मैंने इसको 20 मिनट्स के पे लगाया था, फिर कम करके मैंने इसको 15 मिनट्स कर दिया था। सो 15 मिनट्स होते ही ऑटो कट हो गया और भाई ये हमारा फ्रेंच फ्राइज यहाँ रेडी है, क्या क्रिस्पी लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं इससे आधा से अधिक ऑयल तो जितना मैंने डाला था वो सब इसमें ही रह गया, बर्तन में रह गया, इसमें तो ऑयल बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। और अगर मैं क्रिस्पी की बात करूँ तो ये मैं स्पून लेके आप यहाँ देख सकते हैं इनको, आपका आवाज़ आ रही है, काफ़ी क्रिस्पी ढंग से बना हुआ है। सो दोस्तों ये था कुछ इस तरह से फ्रेंच फ्राइज बनता है इसमें और काफ़ी यमी लग रहा है देख के, तो मुझे काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है और मुँह में पानी भी आ रहा है देखते देखते। तो यही था कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में, इस ग्लेंड के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं अपना फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर लेता हूँ, आप लोग बनाइए, ऑर्डर कीजिए, मज़ेदार है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।